माय नेम इज सारांश, वेलकम टू आवर चैनल सिब्लिंग्स रिएक्शन। सो अगर ये तो था हमने अपने तरीके से आप लोगों को हाय बोला, सो अगर हमें विजय थालापति के स्टाइल में अगर हाय बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? सो ये था विजय थालापति का स्टाइल, एंड आई नो उनके बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिससे लोग उनको मतलब उनके स्टाइल को कॉपी करने लग गए हैं, उनका एटीट्यूड, उनका स्वैग है, मतलब जो एक काइंड ऑफ थिंग जो वो कैरी करते हैं ना हमारे साथ, लोग वो चाहते हैं कि वो उस चीज को कॉपी करें। और हम सोच भी रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में हम लोग इनकी और वीडियोस लेकर आए आप लोगों की डिमांड पर। एग्जैक्टली गाइस, एंड डिमांड से मुझे याद आया कि पोल से रिलेटेड एक बात थी जो ये आपको बताना चाहते हैं। सो गाइस, एक डिफरेंस होता है, मैं आप लोगों के सामने वो क्लियर करना चाहूंगी। हम लोग कुछ वीडियोस बना चुके होते हैं, करेक्ट? अब वीडियोस बनाने के बाद हम लोग पोल क्यों करते हैं? हम लोग आपसे पूछते हैं कि आप गेस कीजिए, आप आप जाकर देखिएगा एक बार दोबारा से हमारे वो जो है वो पोल जो है वो एक क्वेश्चन है कि हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, अब आप लोगों को गेस करना है कि वो वीडियो कौन सा है। हम लोग आपको तीन ऑप्शंस देते हैं जिसमें से आपको करेक्ट वन बताना है कि हमने कौन सी वीडियो बनाई है, राइट? जो पोल है आई थिंक कुछ लोग समझ रहे हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना रहे हैं, विच इज नॉट द केस। द थिंग इज हम लोग ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं एंड वी आर आस्किंग यू गाइस टू गेस विच इज दैट वीडियो। एग्जैक्टली, एंड उस पोल के अंदर जो भी आपकी नेक्स्ट हम लोग मतलब जो ऑप्शंस में देते हैं, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि वो वाली वीडियोस भी हम बना चुके होते हैं, या हम बना चुके हैं या हम बनाने वाले हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने थ्री वो डाले पोल के अंदर क्वेश्चंस, फर्स्ट इज बिगिल एंड द अदर इज टॉप लेसी पौड़ी एंड थर्ड वन इज सराय नोडू ट्रेलर। सो हमने ऑब्वियसली इन तीन में से किसी एक पे भी बनाई है वीडियो, एंड द नेक्स्ट वन जिसपे सबसे ज्यादा मतलब पोल हिट होगा, अब जिसपे हम बना चुके हैं वो तो हम पोस्ट करेंगे, बाकी जिसपे सबसे ज्यादा मतलब पोल जाएगा ना हम कहते हैं कि मतलब जिसपे सबसे ज्यादा गया अब नेक्स्ट हमें उसी पे बनाना है। हाँ, मतलब इससे हमें बस ये भी पता लगता है कि हमारी ऑडियंस चाहती क्या है, उनको नेक्स्ट किस पे हम लोग रिएक्ट करें, बट इट्स नॉट ऑलवेज द राइट थिंग कि आप लोगों के आंसर्स हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं, राइट? बिकॉज हम लोगों ने कंटेंट डालना है, right. तो हो सकता है कि ज्यादा फैंस अल्लू अर्जुन के हैं लेकिन अगली वीडियो जो है वो हम थलापति की जो है बनाने वाले हैं या डालने वाले हैं, राइट? सो हाँ, लेकिन ऑप्शंस जो होते हैं ना वो होते हैं या तो हमने पहले बना रखी है वीडियोस या हम उनके बारे में बनाने वाले हैं, राइट? सो ये था हमारा मतलब पोल का सीन, क्योंकि आई नो दैट बहुत सारे लोगों को इस चीज में मिसअंडरस्टैंडिंग थी एंड वो समझ नहीं पा रहे थे, वो कह रहे थे कि हम पोल कुछ और डालते हैं डलती कुछ और है, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डोंट वरी गाइस, आपने जो भी बोल दिया वो अपलोड होगी जल्दी से जल्दी। हाँ, बस आप लोगों को हम लोग एक चीज आप लोगों को ध्यान से रीड करनी है, वो ये है कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन डाला है, कोई क्वेश्चन है कि हम लोग कौन सी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, मतलब वीडियो बन चुकी है। वी आर आस्किंग यू गाइस टू गेस द नेम, राइट? चलिए, सो यहाँ पे करते हैं इस बात को खत्म, अब नेक्स्ट बात पे जाते हैं जो कि है विजय थालापति। ओके, सो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं अभी रिसेंटली जिनको सबसे ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ वो एक अल्लू अर्जुन है, जिनके डांस मूव्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, एंड सेकेंड इज विजय थालापति, जिनकी एक्टिंग और जिनका स्टाइल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो विजय थालापति एंड अल्लू अर्जुन ये दोनों तो मेरे फेवरेट्स हैं ही, लेकिन अब थर्ड जिनकी सबसे ज्यादा मेरे को डिमांड आ रही है, जो लोग कहते हैं कि इनको भी मतलब आप देखो इनका भी डांस मूव्स बहुत अच्छे हैं, वो है जूनियर एनटीआर। सो डोंट वरी गाइस, हम जूनियर एनटीआर के ऊपर भी और ज्यादा मूवीज के ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करेंगे, सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे, आप हमें वो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। And not only this, thank you so much guys, just because of you we hit the 4K subscribers. Correct. Thank you. हमारा टारगेट है 10K and I hope that आप लोग हमें ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे and हम जल्दी 10K को हिट करेंगे। Correct. So अब बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके सामने आपकी फेवरेट फिल्म का एक सीन लाने वाले हैं जो कि है विजय मास पुलिस स्टेशन सीन बिगिल से। ओके, इट्स बिगिल नाउ, मैंने आई थिंक इस टाइम गलत नहीं बोला, ये बिगिल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। so, ये पुलिस स्टेशन का सीन है। ओके, सो ये था हमारा बिगिल का मास पुलिस स्टेशन सीन।
जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सिर्फ इतने से सीन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को पूरी मूवी जाके देखनी पड़ेगी। मतलब ये इतना सही था ना, इसके आगे भी दिखाना चाहिए, इसके आगे भी दिखाना चाहिए था, बट जिन्होंने भी अपलोड किया थोड़ा सा और होना चाहिए था। एंड इसके अंदर थोड़ी थोड़ी हिंदी लैंग्वेज का भी यूज हो रहा था, कुछ सीन जिसके अंदर हिंदी लैंग्वेज के भी थे, पता नहीं, लेकिन वो मतलब कि वीडियो में है या फिल्म में भी है। हाँ, फिल्म में भी, अगर फिल्म में तो फिर मजा ही आ जाएगा, मतलब हम लोग फिर डाउनलोड करके उस मूवी को दोबारा देखेंगे। वैसे आई डिडंट गेट एनी सजेशन की, मतलब यहाँ मेरे को किसी ने बताया नहीं कि बिगिल की हिंदी में बनी है या फिर नहीं बनी। सो मतलब मेरे को पता लग जाता तो मैं एक बार इसे देखता मूवी को ध्यान से, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है छोटे से सीन से। बिगिल होगी इंटरेस्टिंग, पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना ये मुझे चक दे इंडिया को यू नो रिमाइंड करवा रही है। जैसे वो भी कोच था, है ना, ये भी एक कोच है और गर्ल्स का टीम है, वो भी गर्ल्स की टीम है। बट पता है क्या, वैसे वो भी शाहरुख खान थे एंड ही इज ऑल्सो फेमस फॉर द यू नो रोमांटिक सीन्स एंड ऑल, सो ये भी इन चीज के लिए फेमस है बेसिकली। सो हो सकता है दैट माइट भी हम कहीं ना कहीं रिलेट करें। चलिए, तो ये था हमारा आज का ट्रेलर जो कि आप लोगों की डिमांड पे था, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस सीन के बारे में। इसके अलावा और कौन से वीडियोस आप चाहते हैं? आई नो बहुत सारे सजेशंस हम लोगों को मिलते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोगों की डिमांड भी पूरी की जाएगी क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट है। तो उनमें से हम लोग, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग पहले शॉर्ट लिस्ट करते हैं और उनमें हम लोग वीडियो बनाते हैं। हम बनाएंगे सब पे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इस पे, सो प्लीज वेट फॉर। या एग्जैक्टली गाइस, एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, आप चाहें तो मैं वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज सारांश चानना एंड योर इंस्टाग्राम हैंडल इज सपना अंडरस्कोर चानना। सो गाइज वेट फॉर इट, डेफिनेटली हम इसे अपलोड करेंगे, बस हमारे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम सबकी रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे इस चीज के लिए। तब तक के लिए बाय।